और जैसे इसकी कोड है, हम इस कोड पे अभी धागे से टाइट करके बांध देंगे ताकि इसे जो नसें आ रही होती है ना ये फटे ना, क्योंकि फटने से इसके पेट पे जख्म बन जाता है। अच्छा हाँ, तो अभी तो गाइस देखो कितना पैकेट, ऐसे देखो ऐसे गाइस ऐसे पैकेट में आता है, पैकेट में। हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत ही अच्छा। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतने टाइम से कहाँ पे था भाई। भाई वो दिन अब मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि मैं इतने दिन से कहाँ पे था, मैं कुछ क्या कर रहा था। तो भाई मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ सोच रहा था, बहुत अच्छा सोच रहा था, तो वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा मैं इतने दिनों से कहाँ पे था। और वैसे मैं फिलहाल अभी बता देता हूँ, देखो अभी बता रहा हूँ, रात के 3:40 हो चुके हैं और भाई मैं जस्ट अभी अभी काम करके पूरा ख़त्म कर रहा हूँ भाई। और हाँ गाइस, वीडियो और थंबनेल देखकर पता चल गया, वीडियो का थंबनेल और टाइटल थंबनेल देखकर पता चल गया आज की वीडियो की। जी हाँ, आज मैं बन गया दादा। भाई इतनी खुशी हो रही है ना, तो भाई वो मैं नहीं बता सकता भाई, इसके पीछे ना बहुत स्टोरी है। मैं मतलब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो वीडियो उसके ऊपर चाहिए तो भाई पूरे पता। आपको कुछ नहीं करना, हैशटैग गिन्नी डालनी है, तो भाई मैं पूरी उसके ऊपर सीरीज बनाऊंगा। और जो छोटे छोटे जो वो पप्स हुए हैं ना, तो इसके ऊपर पूरी वीडियो, मतलब ये वाली वीडियो कैसे डिलीवरी हुई, कैसे हुई कैसे नहीं हुई, तो वो वीडियो तो है ही। और ये कैसे कैसे एज में बढ़ रहे हैं, इनकी पूरी एक एक दिन की अपडेट दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते अब मैं आपको दिखाता हूँ। खुश अमला खुशी धागा लेके बैठ जा, धागा तू ले आ जा, खींच लेना। लगा उसको जान लगाने का। ये देखो गाइस, एकदम छोटा सा बच्चा अपने वाटर बैलून में है। तो गाइस देखो कितना पैकेट, ऐसे देखो ऐसे गाइस ऐसे पैकेट में आता है, पैकेट में थैली में आता है, थैली में में। ये देखो हमें जरूरत पड़ेगी इसके बाद, पहले हमसे हर नॉर्मल से पहले इसे साफ कर लेंगे ऐसे गाइस। टिश्यू पेपर अखबार कुछ भी ले सकते हो जो साफ सुथरा हो। और उसके बाद कुछ ये हमारा कपड़ा भी हमने ले रखा है, एक चादर सी, इसे फाड़ फाड़ के ही बनाया है हमने। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, और पानी उसका आता रहेगा। अच्छा, इस तरीके से इसे पूरा साफ करना है, ये एकदम नीट एंड क्लीन, और इसे रब करते रहना है जब तक वो ना करे चीख ना मारे ना। हाँ इसे समझो बिल्कुल, जब तक ये मुँह, देखो अभी मुँह नहीं खोल रहा हाँ। तो कुछ अगर ना हो तो देखो इसका नाक से सारा पानी निकालना होता है। अच्छा, ये पानी निकालना होता है अगर, हाँ हमें ये करना होता, नहीं तो अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम ये कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं ऐसा, मतलब हल्का बिल्कुल हल्के ना, नाक से सारा पानी बाहर आए। तो गाइस ना, ये जो आपने जो ऐसे रवि ने बताया ना, ऐसा ये चीज आप मत करना, मतलब किसी के डॉक्टर की निगरानी में ही करना। कर सकते हो अगर आप अकेले हो तो, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी। अच्छा, बच्चे का कोई भी हिस्सा ज्यादा वो ना हो, हार्ट उसका प्रेशर ना आए। जैसे कि अब ये जो बिल्कुल है डार्क गोल्डन कलर आया। अच्छा, ये बिल्कुल डार्क गोल्डन कलर। अभी हमारा ये मेल है फीमेल है? ये गाइस ये मेल है, तो छोटू सू। ओ भाई क्या, गिन्नी का बेटा है, गिन्नी का भाई, पागल है वो। तो दूध से अलग रखते हैं। अच्छा, दूध से अलग रखते हैं। हाँ, क्यों क्यों? अंदर के सारे जो मैंने बताया ना, सेम गंदगी, जैसे शुरू में पानी जमा होता नाक में, हाँ वो सारा निकल जाए। अच्छा, निकल जाए। अच्छा, और पूरी बॉडी को रब करते रहना है इस तरीके से। अच्छा, चारों उंगलियों से, मतलब ऐसे रब करना है। अच्छा, ये रब क्यों करते हैं वैसे? ताकि इसकी बॉडी में थोड़ा वार्मनेस आए। अच्छा, वार्मनेस आ जाए। अच्छा, और वैसे अब भाई एक रवि भाई एक क्वेश्चन मेरा और पूछना है, जैसे कि मतलब इस ना ये रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर 22-23 22-23 डिग्री ना।
और एटलीस्ट मैक्सिमम कितना चल जाए इस पे? अगर जैसे इसकी कोड है, हम इस कोड पे अभी धागे से टाइट करके बांध देंगे ताकि इसे जो नसें आ रही होती है ना ये फटे ना, क्योंकि फटने से इसके पेट पे जख्म बन जाता है। अच्छा हाँ, तो अभी इसे मतलब से धागा लिखा ना, इसे धागे से बांध देंगे और इसे क्लिक क्लैंप भी लगा सकते हैं। हाँ, देखो नॉर्मली घरों में, छोटे छोटे घरों में क्लिक क्लैंप नहीं होता, डॉक्टर के पास ही अक्सर मिलेगा, अक्सर मिलेगा। तो घर में आप नॉर्मली धागे की इस तरीके से बना के रख लो, इसके अंदर एक एक ऐसे ससरफंडी से बना लो नॉर्मल सा। अच्छा, और बिल्कुल ही टाइट नहीं, लूज, कि धागा खुलना नहीं चाहिए, इतना टाइट हो ये। अच्छा, और ये नहीं कि कोई नस बाहर आ जाए, क्योंकि अकेले हाथ से कर रहा हूँ। हाँ, तो हमें पूरी केयर रखनी है कि बिल्कुल ही टाइट बंधे, है ना, बिल्कुल टाइट बंधे और सावधानी से ना। हाँ, एक एक चीज। ओ भाई देखो गाइस, इसके तो छोटे से है। अब हम इसे दूध, अब इसे दूध पिला देंगे। पहले दियो शहद दियो। तो गाइस दूध पिलाने से पहले ना इसमें थोड़ा सा ये हनी शहद रखा हुआ है मैंने, इसलिए एक हाथ पे ऐसे भी कवर रखा हुआ है। अच्छा, मैं इसे शहद पिला सकूं, दस्ताने से पिला नहीं पाऊंगा ना। हाँ, शहद लेके इस तरीके से हम इसे चटा देते ताकि इतना इसलिए कि ताकि चूसना सीख पाए। अच्छा, चूसना सीख पाए। हाँ, ये देखो, और इसे काफी देर तक रखना पड़ेगा ना, अभी एक दो 10-5 सेकंड के लिए जैसे चूसने, जैसे चूसने लग गया ये। अच्छा, अब हम जैसे हल्का सा शहद लिया फीमेल के इस पे लगा लिया, तो मतलब धन पे। हाँ, और बेबी को आराम से इस पे लगाते थे, इसलिए थोड़ी सी हमें हेल्प करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं होता कैसे पीना है क्या करना है, बस इन्हें थोड़ा सा दे दो। अब इसने दूध पीना शुरू कर दिया। अच्छा, इसने दूध पीना शुरू कर दिया। हाँ, हमें थोड़ा सा थोड़ी देर इस पे बस ध्यान रखना कि ओ भाई देखो देखो कितनी मस्त है ये भाई, पूरी देखो फुल गोल्डन है, देख रहे हो भाई इसकी। भाई और यहाँ पे मेरी गिन्नी बेचारी सो रही है, ये वाले गिन्नी देख कितनी कितनी अच्छी लग रही है। गिन्नी तू सो रही है? हाँ बाबू सो रही है, सो रही है भाई। बस देखो कैसे सो रही है ये सारी। तो गाइस आपने देखा मतलब कितनी क्यूट क्यूट से इतने, मतलब गाइस 6 पप्स दिए। और भाई अब तो शायद मेरे ख्याल से आई थिंक अब बच्चे नहीं होंगे, फिर भी किस्मत हो तो भाई हो सकते हैं, तो भाई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी 6 पप्स हो रखे टोटल। और भाई देखो कैसे लड़ रहे, देखो दूध के लिए, ये देखो ये देखो गाइस, पता पता है इस वाले को ना सबसे लास्ट में मिल्कर मिलाया और यहाँ पे इसे छोड़ दिया था, पैं 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 चिल्ला रहा था। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो ये देखो कैसे लड़ रहे हैं आपस में, एक एक ये देखो। तो गाइस इसको अभी ना थोड़ा सा मिल्क विल्क दूध दूध पिला रहे हैं उससे, तो मिल्क पिलाने के बाद जैसे देखो आपको बताइए, देखो पूरा मतलब पूरा ब्लड ब्लड हो रखा है, तो इसको थोड़ा सफाई फाई करने के बाद फिर सफाई करते हैं। भले ये देखो पूरा, देखो यहाँ पे पूरी सफाई कर रहे हैं अच्छे से। तो गाइस अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जरूर सुन के जाना, सुन के जाना। गाइस इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई ओनली फॉर ये वीडियो बनाई गई है, तो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। मैंने सोचा जितनी ज़्यादा मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दे सको, शायद क्या पता मेरी इन इन्फॉर्मेशन से आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके, तो इस वजह से इस वीडियो को इसलिए बनाई गई है। और बाकी भाई अगर इसके ऊपर मतलब पूरी सीरीज चाहिए आपको, ये मतलब जितने दिन मेरे पास रहेंगे उसके ऊपर पूरी सीरीज चाहिए, तो भाई कमेंट डाउन फटाफट कर दो, मुझे नहीं पता कैसे भी करके 1000 कमेंट होने चाहिए आपके, तो जल्दी जाओ भाई। इसके बारे में अभी बताऊंगा, इसके नाम सोचने आप लोगों, इसके नाम भी सोचने आप लोगों के, नाम भी सोचने कितने मेल है कितने फीमेल है, तो भाई ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।